सो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आज की वीडियो में आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, आज की वीडियो में गाइस देख सकते हो, तो हमारा जो ये पेंटा फ्लिप इवेंट है, ठीक है, ये आ चुका है, ठीक है। भाई म्यूजिक ऑफ कर दें। भाई ये किस तरीके का इवेंट होता है, काटने वाटने का, भाई सारा कुछ बताने वाला हूँ। तो यार वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, ठीक है। बाकी गाइस, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी गाइस, वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं यार अपन बिना किसी देरी के। गाइस, ये जो इवेंट है ना, ये एक तरीके से बोलो फेरेट व्हील की तरह है। बोलो किस तरीके से है भाई, फेरेट व्हील की तरह। इसमें तो कुछ पता चला रहा, बस चार पांच पत्ती दिखाई दे रहे हैं भाई इसमें हमको। तो भाई सीधी बात यह है, मेरा कहने का मतलब यह है, जितना डायमंड आपका फेरेट व्हील खाता है उससे भाई थोड़े से ज़्यादा मान के चलो 100 या 150 डायमंड ज़्यादा खाता है ये इवेंट, ठीक है। अब इसका देख सकते हो गाइस, कुछ इस तरीके कार्ड दिए गए हैं। अब जिसमें पहला जो है भाई वो है 9 डायमंड का, ठीक है। अब 9 डायमंड में आप कोई सा ही पत्ता यहाँ पर चुन सकते हो, ठीक है। और अगर आपका लक अच्छा रहा तो बंडल निकल सकता है, लेकिन गाइस इस धोखे में कभी मत रहना गरीना के, ठीक है। आप सोचो भाई मेरे पास 9 डायमंड है, क्या कर रहे हैं, मार के देखता हूँ, क्या पता लक अच्छा हो निकल जाए। लेकिन गाइस ऐसा नहीं होने वाला, ऐसा हज़ार में से एक बार होता है, लेकिन गाइस क्या हो भाई आपके साथ नहीं होगा। क्यों गाइस, गरीना जो है पहले से भाई इस ऐसे इवेंटों को पहले से बना कर रखता है कि वो उसको पता है कि वो बंडल लास्ट में ही देना, जो ग्रैंड प्राइज होता है गरीना उसको लास्ट में ही देता है। अब आपको पता होगा फेरेट व्हील में आप कितनी भी स्पिन कर लो शुरू में तो नहीं मिलता आपको बंडल, जब भाई लास्ट स्पिन 99 डायमंड की तब जाके भाई वो बंडल आपको मिलता है, ग्रैंड प्राइज आपको मिलता है। यही जो है गाइस गरीना की चालाकी है भाई, तो इस धोखे मत आना कभी भी। पहली बात तो ये है कि ये मत समझना कि भाई गरीना भाई दे देगा हमारा लक अच्छा रहा तो, ठीक है। कितनी भी कोशिश कर लो नहीं मिलेगा। और अभी गाइस देखो तो इविल होलर जो है हमारी एंड पर आ चुकी है, जो कि गाइस आएगी ईवो, ठीक है। और भाई ये जो है गरीना काटने के लिए ला रहा है भाई, पता नहीं कौन कौन सी गन ला रहा है, एमएटी लाई, पता ना क्या क्या हवाल हवाल ला दिया। इसका इमोट देखो कुछ इस टाइप का इमोट, तो अब हाँ जब महंगी चीज़ है इमोट तो होगा। अब आप इसको निकाल तो लोगे भाई, निकालने के लिए भाई इसको मैक्स भी तो करना पड़ेगा ना। मैक्स करने के लिए आपको 14,000 डायमंड चाहिए कम से कम, शुरू से मैक्स करने के लिए 14,000 आपको डायमंड चाहिए भाई, ठीक है। तो तभी जो है आप जो इसको मैक्स कर पाओगे, तो भाई कोई फायदा नहीं है, रहने दो, ठीक है। जितनी भी गाने भाई रहने दो, ठीक है। बात आपको जो इस चलाकी में नहीं रहना है कि भाई हमारे पास 9 डायमंड है, 1 की स्पिन मारा है, 2 स्पिन मारा है, शायद हमको मिल जाए हमारा लक चले, तो ऐसा नहीं है। गरीना जो है ग्रैंड प्राइस लास्ट नहीं देता है, इसकी पहली स्पिन 9 की है, फिर 49 69 बढ़ती रहेगी, फिर लास्ट में बचेंगे 2 कार्ड, पहले दोनों कार्डों की स्पिन होगी 299 डायमंड की, यानी कि 300 डायमंड की भाई जो स्पिन रहेगी। अब दोनों में से भाई एक ग्लूअर होगा और एक जो है ये जो बंडा रहेगा जिसका नाम है देखो तो इस टाइप का बंडल है, आप देख सकते हो नीचे ये बंडल रहेगा और एक ग्लूअल रहेगी। अब आप सोचो भाई मार के देखते हैं निकल जाएगा ग्लूअल या बंडल, तो भाई ग्लूअल ही निकलेगा या आप लिख के ले लो, लेकिन जो बंडल आपका बिल्कुल लास्ट में ही निकलने वाला है, ठीक है। जब एक कार्ड रह जाएगा इसमें से तो ही लास्ट में निकलेगा, अदरवाइज गाइस नहीं निकलेगा भाई। ये चलाकी एक तरीके की, तो भाई इसमें आपको नहीं फंसना, चालाक आदमी यानी कि भाई चूचा चीज है हमारे गरीना के मालिक, वो भाई भाई बहुत तगड़े तरीके से भाई इवेंट को जो है भाई मॉडिफाई करते हैं, तभी जो है तो भाई पता चल जाता है कि हाँ भाई कुछ तो झोल है, ठीक है। अब आपको पता होगा ये जो गाइस देखो तो ये जो टोकन हैंगे भाई यहाँ पर आपको मिल रहे थे इनक्यूबेटर के टोकन, जो कि गाइस हैगा हमारा फ्री CBF जर्सी का जो टोकन था, इससे हमें स्पिन करने को मिल रही थी लक रॉयल में। अब भाई आप सच बताना कि गाइस आपने इसमें दो कितनी स्पिन मारी, 3 मारी होंगी, लेकिन 3 में से गाइस आपका कोई भी एक बंडल निकला, इसमें ग्रैंड प्राइज निकला, सीधा सीधा भाई कमेंट करके बताना। ओ भाई ये क्या है, वो भाई मेरे को बताना कि हाँ भाई क्या गड़बड़ी है, ठीक है। लेकिन गाइस वो क्यों नहीं निकला भाई मैं आपको बताते रहूँ, गरीना खेलता है भाई जज्बातों के साथ, वो पूरी तैयारी करता है। अब आप डायमंड मारो 400 की स्पिन मार के देख लो, या फिर 40 डायमंड की स्पिन मारो तो चांसेस बन जाते हैं निकलने के। क्यों भाई गरीना को फ्री का चीज़ भाई अच्छा नहीं देना चाहता, ठीक है। फ्री में कोई भी चीज़ गरीना नहीं देना चाहता, लेकिन भाई गरीना बंदे छोड़ रहे हैं भाई फ्री फायर को, मतलब धीरे धीरे जो है इसका भाई मतलब क्रेज़ खत्म हो रहा है फ्री फायर का, इंडिया से बात कर रहा हूँ। तो इसलिए भाई गरीना चला के खेल रहा है भाई, क्योंकि बच्चे खेलते हैं ना ज़्यादातर भाई, तो समझ सकते हो आप, ठीक है। तो आपको जो है इस जाल में नहीं फंसना है गरीना के, सोचो भाई ऐसा बंडल इस डायमंड में मिल जाएगा, मैं 30 स्पिन मारूँ इसमें मिल जाएगा। भाई जो यूट्यूबर होते हैं बोल देते हैं भाई ये बंडल निकाल लो, ये काफ़ी अच्छा बंडल है आपके लिए। वो भाई उन्हें गरीना पैसे देता है, ठीक है। वो उनको भाई वीवेज वाले प्लेयर हैं, वो तो आपसे कहेंगे कि भाई निकाल लो ये अच्छा है भाई, ये अच्छा बंडल है, इतने डायमंड लगाएंगे, ये अच्छा बंडल है, ये अच्छी गन स्किन है, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे मेन चीज़ आपका गेम प्ले जितना अच्छा होगा भाई उतना अच्छा भाई सी ठीक ठाक है, ठीक है भाई। फ्री का लो, आराम से खेलो और अच्छा बनाओ, ठीक है। ई स्पोर्ट की तैयारी करो, सबसे बेस्ट वही है, अदरवाइज कुछ नहीं है। तो बाकी गाइस आप कमेंट करके बताओ भाई वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, बाकी चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।